अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मैं हूँ नीलम मुनीर और मेरे साथ बहुत प्यारी सी नूरजा है। जी कान में तो नूराशा है, बुलाता है मुझे नूरजान करके बुलाता। नूराशा जी, नूराशा का क्या मतलब है? नाम नूराशा है, कार्ड में कार्ड जो दिया ना उसमें नूराशा है। अच्छा, कार्ड पे नूराशा है। नूराशा बाजी, मैं आपको बाजी तो बोल ही सकती हूँ ना, कोई बात नहीं। इतने दिन बाद जब मैं इनसे मिली हूँ, मेरी तो पहली मुलाकात है, तो रो गए आप काफ़ी अर्सा होगा किसी से कोई बात बात नहीं की ना आपने, तो वो होता है जब इंसान किसी से मिलता है और दिल से मिलता है तो खुद ब खुद ही इंसान जो है ना बातें करना शुरू हो जाता है और दिल के हाल बताना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह आपने बताया कि आपकी 9 बेटियाँ हैं और 9 की 9 पढ़ रही हैं और यहाँ से काफ़ी दूर जाती हैं वो स्कूल, क्योंकि इस इलाके में, इस मोहल्ले में कोई स्कूल अभी भी दो भी इस मस्जिद में गया पढ़ने के लिए। माशाल्लाह से ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया बहन की, आप बच्चों को पढ़ा। खाना नहीं खाता, बच्चे को पढ़ा रहा हूँ बस, ताकि हम मर जाएंगे ना फिर मेरे बच्चे कामयाब हों, ये सोच के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बस। अल्लाह मियाँ से ये दुआ मांगता हूँ और कुछ भी नहीं। बेशक अल्लाह ही वसाइल बनाने वाले हैं और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आपने बताया कि आपके शौहर हैं वो मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं और उनकी भी उम्र काफी है जी, बुढ़ा हो गया। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी मिलता है, कभी घर पे बैठा रहता, बस यही है। बच्चा लेके लड़की वाला कपड़ा सीते, ऐसे कपड़ा सादा सीधा कपड़ा सीते, मैं टोपी बनाते है ना पोती का, वो बनाता हूँ बस बैठ बैठ के। अच्छा, देखता भी नहीं, चश्मा दे के फिर लगा के फिर बनाता हूँ, उधर से उठ के आया मैंने। और आपका ये घर भी किराए का ही है? किराया की है, मेरा मकान नहीं है। और किराया भी जो उन्होंने घर का बताया वो बहुत ज्यादा है। देखिये हर महीने कुछ होना हो आपको किराया भी देना पड़ता है, सबका यही हाल है। और बिजली का भी कोई आता पता नहीं, यहाँ पे पानी भी इस इलाके में नहीं आता है, तो कितनी शर्म की बात है। वैसे ये जो जिम्मेदारान अगर वो ये शो देख रहे हैं, आपको पता है इनके घर में टीवी भी नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि आपको पता है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकली इतने मामला चल रहे हैं, तो ये हमारे बहन भाई कराची में ही रहते हैं, ये हमारे ही हैं और हमसे मुख्तलिफ तो नहीं, अलग तो नहीं। तो मैंने इनसे पूछा कि आपको तो पता ही नहीं होता होगा कि बाहर क्या चल रहा है क्या हो रहा है, तो इन लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे कोई स्कूल क्यों नहीं है, यहाँ पे पानी क्यों नहीं आता। आप बताएं, आपने मुझे बताया कि आप यहाँ पे टैंकर से पानी डलवाती हैं। पानी टैंकर से डलवाती हूं, पानी नहीं आता। आप सोचें कितनी मुश्किलात का सामना ही कर रहे हैं। मैं इस शो का करने का मकसद ये है, यहाँ पे आने का मकसद, आप सबके सामने बात करने का मकसद मेरा और मेरी बहन नूरजहां का यही है कि हम आपको बता सकें, दिखा सकें कि किस हालात से ये पूरा मोहल्ला जो है यहाँ पे गुजारा है। कम से कम यहाँ पे 30 लाख की आबादी है, बगैर पानी बिजली और स्कूल एजुकेशन के रह रहे हैं यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, और इनके पास कोई, इनके घरवालों के पास कोई पक्का काम नहीं है, यहाँ पे माँ बाप ज़्यादातर बीमार हैं, तो इन्हें कौन देखेगा। हम तो प्राइवेटली जितने भी लोग हैं इनके लिए जितना कर सकते हैं हम तो वो करेंगे, लेकिन असल काम तो जो है वो हुकूमत का है कि यहाँ पे पानी बिजली का इंतज़ाम करें, है ना। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे, बहुत अच्छे हालात में मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। फिलहाल ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आपके लिए शुक्रिया। हर साल की तरह इस बार भी प्ले एंटरटेनमेंट ने आपके लिए 10,000 रुपये कैश भेजे हैं और राशन भेजा है। अल्लाह करे आपका रमजान बहुत अच्छे से गुजरे और आने वाली जिंदगी बहुत सुकून की हो, आमीन। आप सबके लिए दुआएं करता हूँ, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन असल बात जो है वो हुकूमत की है कि उन्हें करना चाहिए, है ना। आप कहना चाहेंगे कोई ऐसी बात कि आपको लगता है कि आप रिक्वेस्ट करें, आप उनसे गुजारिश करेंगे ये मसला हल होना चाहिए, आपके पास है ऐसी कोई बात? नहीं, हम कर नहीं सकते ना, हमारा मुकाम नहीं, हम कैसे बोलेंगे, जो मालिक है वो नहीं बोलेगा, हम कैसे बोलेंगे। आप लोगों ने मतलब इन लोगों से इनकी आवाज ही छीन ली है, वो जो नहीं बोल रही है उनको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। उनको कुछ पता नहीं है, बस हम लोगों को रहना जगह दिया, मैंने किराया दे रहा हूँ, बस यही मालूम है, मेरे बच्चा लेके मैं चल रहा हूँ, बस यही है। ना बाहर जाता हूँ, ना किसी का घर पे जाता हूँ, बस नमाज पढ़ता हूँ, बच्चा के लिए दुआ करता हूँ, सारा दुनिया के लिए दुआ करता हूँ, बस यही है मेरा। अब आपने मुझे भी खास दुआ में मेरे सारे भाई इंशाल्लाह सबके लिए दुआ मांगूंगी मैं। बस सही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, रमजान मुबारक।